ये उन दिनों की बात है। मैंने पूछा कौन गया था सिनेमा देखने? वो ताई जी। वो भाभी जी, मैं गई थी भाभी जी। ओ भाई, तुम तो वो 101 वाली। मैंने आपसे झूठ कहा था। अच्छा, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, और मुझसे ही झूठ बोल दिया। ये सिखाओगी इन सबको? चुप चुप के सिनेमा जाना, झूठ बोलना, यही ना? बोलो। अब मैं क्या बोलूं आपसे भाभी जी? कुछ मत बोलो, चुप रहो। बेला, तुमने तो ये भी याद नहीं रखा कि तुम्हारे घर में जवान लड़कियां हैं। क्या असर पड़ेगा इन पर? कल को जब ये छुप छुप के टिकट लेके झूठ बोल के सिनेमा देखने जाएगी ना, तब पता चलेगा, तब मेरी बात समझ में आएगी तुम्हें। अभी नहीं समझ में आएगी। नैना, चुप कर। देख रही ना, बड़े आपस में बात कर रहे। प्रीति, ऐसे लेके अंदर जाओ। हाँ, जाओ अंदर जाओ। यहाँ खड़ी रहोगी तो झूठ बोलना सीखोगी इससे। जाओ। दिखाओ यही सब। बहुत बढ़िया। चाची जी, सॉरी। प्रीति, वो चाची जी ने मुझे हॉल में देख लिया था। इसका मतलब मम्मी पापा? और जा मेरे बिना, मैं होती तो बात संभाल लेती ना। लेकिन नहीं, तू मुझे क्यों साथ ले जाएगी? मैं तो तेरी बहन हूँ ही नहीं। तो मम्मी पापा ने तेरे साथ समीर को भी? नहीं नहीं, चाचा जी ने समीर मुन्ना पंडित को देख लिया और चाची जी ने मुझे और स्वाति को। तू स्वाति मुन्ना पंडित के साथ गई थी? प्रीति, खामखा चाची जी को इतना कुछ सुनना पड़ गया तेरी वजह से। तेरी वजह से? तू ना टिकट ऊपर लेकर आती और ना ही ताई जी चाची जी को इतना सब सुनाती। अच्छा, तो अब ये सब भी मेरी गलती है? ठीक है फिर। नहीं प्रीति, मेरा वो मतलब नहीं था। सुन प्रीति, सॉरी। अच्छा सुन तो। यार, अब तक नैना का फोन नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? होगी, पता करना होगा। डांस की बड़ी है, इतना बड़ा कांड हो गया। और कांड हो गया? किसी का फोन आया था? ओ, इसका मतलब सब ठीक है। अरे कांड तो तब होता ना जब बेला चाची की जगह ओ भाई वो देख लेती। इसका मतलब सब ठीक है, आओ डांस करते हैं। तू सही कह रहा है, सब ठीक ही होगा। कर रहा ना माधुरी से भी बढ़िया डांस, उससे भी अच्छा। अच्छा, तो पोंगा कहाँ है? अरे वो तो माधुरी के पीछे दीवाना हो गया है। दोबारा फिल्म देखने गए, वो भी अकेला। अकेले? छोड़ो, आओ डांस करते हैं। आजा। अरे, आप लोग रुक क्यों गए? हाँ, आप तो नाराज हो गए। चल मुन्ना। अरे नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? वही तो बताने आए थे कि मम्मी जी ने कहा है आपको आज शाम को वाडिया जी के घर जाना है, तो आप घर पर ही रहिए। वाडिया जी? जी कौन है भाभी? पता नहीं, कोई पापा। बेटा पिक्चर की टिकट? आप कितने अच्छे हैं समीर भैया। कल की है? आज की। आज? लेकिन आज तो हम जा ही नहीं पाएंगे, वो वाडिया जी के घर जाना है ना। अरे भाभी, ये आज सुबह की टिकट है। सुबह की? मतलब हम बेटा पिक्चर देखने नहीं जाएंगे? जाएंगे ना भाभी, आप, मैं और देवांग भैया। सच्ची? फिर ठीक है। वैसे अगर ये आज की टिकट है
तो आप आज किसके साथ पिक्चर देखने गए थे? अपनी उस खास दोस्त के साथ। अरे भाभी बस पूछो मत, वरना फिर से माधुरी दीक्षित की याद आ जाएगी। बुरा तो लगा ही होगा ना, बेचारी चाची जी को कितना कुछ सुनना पड़ गया मेरी वजह से। मुझे ना खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और उससे ज्यादा तुम पर। मुझ पे? मैंने क्या किया? तुम्हारे लिए तो पिक्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नैना तुम्हें क्या बोल रही हो? और नहीं तो क्या, जरा ये नहीं हुआ कि बाहर आकर मुझे और स्वाति को थोड़ा रिक्शा करा? मैं आने वाला था, लेकिन तब तक तुम... इंटरवल खत्म हो गया है ना। नैना ऐसी बात नहीं है, मैं पंडित के पास था यार। तुमने देखा था ना कैसे मुंह चढ़ाया हुआ था उसने? अब अगर मैं उसे मना करता तो बस। चाची जी अब चाचा जी को कुछ ना बताएं। चिंता मत करो, चाची जी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, तुम तो ज्योतिषी हो ना। मैं कह रहा हूँ ना, चाची जी किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। अब एक बार हंस दो ना नैना, प्लीज। अच्छा नैना तुम्हें पता है पंडित दोबारा फिल्म देखने गया है? वो भी ना पागल है, दीवाना हो गया माधुरी को देख के और वो उसका वो धक-धक वाला डांस को देख के। पागल तो तुम भी हो गए थे। मतलब मैंने देखा था धक-धक वाले गाने पर कैसे तुम्हारा मुंह खुला रह गया था। सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। नहीं नैना। नैना। चाची जी वो। नैना मैं क्या कह रही थी, भाभी जी ने बिल्कुल सही कहा, सारी गलती मेरी ही है ना। मैं इतनी ढील देती और ना ये दिन देखना पड़ता। वैसे नैना एक बात सच बताना, इसके पहले भी तू छुप छुप के बहुत सारी फिल्म देखने गई है ना? नहीं चाची जी, भगवान कसम पहली बार गई थी। बेटा कसम खाने से ना तेरी गलती कम होगी और ना मेरा गुस्सा। चाची जी सच्ची आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ नहीं बोलूंगी? नैना झूठ तूने भी कहा था, झूठ मैंने भी कहा था, पर हम दोनों के झूठ में ना जमीन आसमान का फर्क है। पता है नैना, अगर मेरा झूठ पकड़ा जाता ना तो दुनिया वालों की नजरों में इतना गलत साबित नहीं होता, लेकिन अगर तेरा झूठ पकड़ा जाता बेटा तेरे लिए बदनामी का कारण बन सकता था। सॉरी चाची जी। सॉरी? बेटा आप सॉरी बोल के क्या फायदा है, मेरा विश्वास तो तूने तोड़ दिया ना नैना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आज तो तेरे झूठ पे मैंने पर्दा डाल दिया, लेकिन आगे से नहीं। भले सामने तेरे ताई जी हो, ताऊ जी हो, तेरे पापा जी हो, तेरे चाचा जी, मुझसे उम्मीद मत रखना। हेलो हेलो, मेरी कॉलेज लाइफ के कई यादगार दिन रहे हैं। रैगिंग दिवस, बाइक की सवारी दिवस, वैक्सिंग दिवस, मूवी दिवस और फिर वो रूठने मनाने वाला दिवस। उस दिन पहले समीर मुझे पिक्चर के लिए मना रहा था, फिर मैं अपनी रूठी हुई चाची को मना रही थी, चाची गुस्से में भरी बैठी ताई जी को मना रही थी और मैं मुंह फुलाए प्रीति को मना रही थी। पहले अंदर चलो। अर्जुन क्या? तुमने गेट क्यों खोला? आओ इधर आओ। ये क्या है? तुम तो कह रही थी तुम्हें हल्का बुखार है, ये हल्का बुखार है क्या? बुखार से बदन पूरा तप रहा है तुम्हारा। अर्जुन हल्का ही तो है। ये हल्का है? बैठो, ये थर्मामीटर बताएगा
ये हल्का है कि ज्यादा है? लो इसको मुंह में। एक सौ एक, ये हल्का बुखार है। हाँ कहां पर है आंटी? मम्मी बरोड़ा वाली कसम की वेडिंग पे गई है, कल आई। शिफाली तुम पागल हो क्या? सुबह से घर पे बुखार में अकेली बैठी हो और तुम अब बता रही हो मुझे? चलो ठीक है, मुझे नहीं बताया कोई बात नहीं, कम से कम नैना या प्रीति को बुला लेती। अर्जुन मैं अभी बुलाता हूँ उनको। अर्जुन I'm fine। हाँ दिख रहा है मुझे कितना फाइन हो तुम। डांट क्यों रहे हो? हाँ हाँ डांटना थोड़ी चाहिए मुझे, तुम्हें तो थप्पड़ लगानी चाहिए। खुद को अमिताभ बच्चन समझती हो तुम? शिफाली तुम खड़ी हो जाओ, चलो इधर आओ। तुम चुपचाप बस लेट जाओ। आई एम फाइन। ले दो। तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्या करूं? अर्जुन I'm fine। बिल्कुल ही मत खफा, देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम साथ तो क्यों नहीं ठीक होंगी? आनंद, आनंद, अरे सो गए क्या भाई? आनंद आनंद, हेलो। पापा मैं बोल रहा हूं, अर्जुन। अर्जुन अरे तुझे ही देखने आया था, 10 बज गए हैं, कहां गुलछर्रे उड़ा रहा है? पापा वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस उसी के साथ हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा पापा मैं। क्यों पूरी दुनिया का ठेका तू नहीं ले रखा क्या? अरे उसके दोस्त होंगे, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब कहाँ हैं? पापा उसके घर वाले बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, दोस्त का नाम बता, मैं भी आता हूँ अस्पताल। हेलो हेलो, अरे हेलो हेलो छोड़ और दोस्त का नाम बता। पापा लगता है लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस है, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो 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 हेलो, गधा कहीं का, न घर की चिंता है न प्रैक्टिस की, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, सुबह आऊंगा। साथ हूँ तुम्हारे। घर पे क्या बोला? झूठ। अर्जुन तुमने इधर शेफाली का बुखार बढ़ता जा रहा था और उधर शेफाली के लिए अर्जुन भैया का प्यार, वो भी ऐसा प्यार जिसे नापने के लिए न तो कोई थर्मामीटर था और न ही उतारने के लिए कोई दवा। शेफाली के बुखार ने तो खैर उतरना ही था, अब सवाल ये था कि क्या अर्जुन भैया के सर से प्यार का बुखार भी उतर पाएगा? ये क्या कर रहे हैं? हाँ ये सारी रात से यही था ना, जवाब दो। वो आंटी शिफाली की रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैं। तो तुमने सोचा कि मौके का फायदा उठा लो।
नहीं नहीं आंटी, आप एकदम गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं गलत सोच रही हूँ? कोई भी होता ना तो यही सोचता। अब मैं समझी कि तुम इतने बहाने क्यों बना रही थी। मॉम आई एम फाइन, आप जाओ वरना टोनी अंकल बुरा मान जाएंगे। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया शेफाली। मॉम वो गॉड सेक मॉम, ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी हम सपने में भी कभी आपका विश्वास तोड़ने का नहीं। चुप हो जाओ तुम, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को। तुम लोग भोली भाली लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके फंसाती हो और फिर। आंटी प्लीज, प्यार करता हूँ मैं शेफाली से, सच्चा प्यार। और सच्चा प्यार करने वाले ना कभी किसी का दिल तोड़ने का सोच सकते हैं और ना ही कभी किसी का विश्वास। ये बड़ी बड़ी बातें मुझे याद दिलाने से पहले अपने घर वालों को याद कर लो। जिन लोगों को हमारे खाने पीने से इतनी प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट करेंगे शेफाली को? करेंगे, करना पड़ेगा। पर आंटी अगर नहीं करेंगे ना तो हम जी लेंगे उनके आशीर्वाद के बिना ही। अर्जुन बिल्कुल ठीक बोल रहा है मम्मा। आपको पता है जितना मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा अर्जुन मुझसे प्यार करता है। रात भर उसने मेरी बहुत केयर की, मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दी। बार बार मेरा बुखार चेक किया, ठंडे पानी की पट्टियां की। सच बोलूं, अगर अर्जुन नहीं होता ना तो शायद। आप परेशान मत होइए, मैं खुद अपने घर वालों से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं शेफाली से कितना प्यार करता हूं और शादी भी इसी से करूंगा। लेकिन आंटी प्लीज आप भूल कर भी आगे कभी ये मत कहिएगा कि मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता। आंटी नहीं तोड़ सकते हम कभी। पानी पी। बेटा मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी पर कभी कोई उंगली ना उठा पाए। आंटी मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो शेफाली पे उंगली उठा सके। आंटी प्यार किया है मैंने आपकी बेटी से और निभाऊंगा भी। अभी तक नाराज है? मैं कॉलेज जा रही हूँ, तू फर्स्ट पीरियड से पहले पहले आ जाना। वैसे तो पूछना बेकार है फिर भी पूछ रही हूँ। आज कौन सी फिल्म देखने का प्लान है तेरा और समीर का? कोई फिल्म देखने का प्लान नहीं है, पढ़ने जा रही हूँ। जल्दी इसलिए जा रही हूँ ताकि लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकूँ। समझी, पहले पी फॉर पढ़ाई फिर पी फॉर प्यार। पी फॉर फॉगल प्रीति, मैंने कहा ना पी फॉर सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि पी फॉर परीक्षा आने वाली है और बहुत हो गई मस्ती। अब ना मुझे सबको पहले वाली नैना बनकर दिखाना है, स्कूल की टॉपर नैना, चाची की लाडली नैना, चाचा का अभिमान नैना, समीर की जान नैना, हाँ और अपनी इस सड़ियल बहन की आन बान शान नैना। प्रीति मुझे ना सच में परीक्षा आने तक समीर से अपना दिमाग हटाकर पढ़ाई पर लगाना। हमारा ध्यान तो भैया शुरू से पढ़ाई में ही था, और हो भी क्यों ना, हमारा कोई बॉयफ्रेंड है ना, हम अकेले अकेले फिल्म देखने जाते हैं बिना अपनी बहन को बताए। अच्छा ठीक है, तो अगली बार मैं तुझे बता कर जाऊं। बहुत मिस करती हूँ मैं उन दिनों को, प्रीति से वो लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, वो पागलों की तरह हंसना, और हमारी तकिया फाइट वो तो पूरी सोसाइटी में मशहूर हो गई थी। और उस दिन चाची जी ने जो कहा
वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया था। जैसे वो गाना है ना, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। इसलिए ये डिसाइड कर लिया कि कॉलेज की मस्ती और समीर का प्यार अपनी जगह, लेकिन अपने संस्कारों से फिर कभी नहीं भटकना है, कभी कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कोई शर्मिंदगी हो। खैर, हम जो भी प्लानिंग कर लें, होता तो वही है जिसे होना होता है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.